हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस तबाही मचा रहा है। राजस्थान में इस बीमारी से 700 से अधिक मरीज शिकार हो चुके हैं। हालात ये है कि जयपुर के सबसे बड़े ENT अस्पताल में इस समय ब्लैक फंगस के ही मरीज उपचाराधीन हैं। जोधपुर में भी अब तक 14 मरीज सामने आ चुका है जिनका इलाज चल रहा है। तो दोस्तों, बात ये आती है कि ब्लैक फंगस के लक्षण क्या हैं। ब्लैक फंगस के लक्षण में आंखों में लाली आना, पलकों में सूजन, तेज जलन और दर्द होना, आंखों में पानी आना, दिखने में धुंधलापन होना, सीने में दर्द होना और त्वचा पर जख्म होना। ऐसे अगर लक्षण आपको दिखाई दे तो सावधान हो जाएं। अब बारी आती है कैसे होती है ब्लैक फंगस की बीमारी। तो दोस्तों, अगर साइनोसाइटिस के लक्षण दिखाई दे रहे हों, जैसे नाक बंद है या नाक से खून आ रहा है, तो हमें संभलने की जरूरत है। इसके अलावा गाल की हड्डियों में सूजन, दांतों या जबड़ों की परेशानी, सीने में दर्द, देखने में दिक्कत या त्वचा पर अचानक जख्म दिखने लगे, तो ब्लैक फंगस का खतरा हो सकता है। ऐसे हालात में जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए ताकि जांच कर जल्दी से इसका इलाज हो सके। ब्लैक फंगस का क्या इलाज है? डॉक्टर के मुताबिक ऐसे लक्षण वाले मरीजों को एंटी फंगल दवाइयाँ लेने की सलाह दी जाती हैं, परंतु कई केस में ऑपरेशन की नौबत भी आ सकती है। इलाज में डायबिटीज पर नियंत्रण रखना जरूरी होता है। इम्यून सिस्टम की तेज करने वाली दवाइयाँ भी लेनी होती हैं। शरीर में पानी की कमी नहीं होने देना है। इसके इलाज में 4 से 6 हफ्ते का समय लग सकता है, इसलिए घबराना नहीं है। म्यूकोरमाइकोसिस की चपेट में आए मरीजों के इलाज में डॉक्टर की पूरी टीम की जरूरत होती है। तो दोस्तों, अब प्रश्न ये उठता है कि ब्लैक फंगस के मरीजों की सर्जरी कब होती है। ब्लैक फंगस के मरीजों में एंटी फंगल दवाइयों के बावजूद म्यूकोरमाइकोसिस का संक्रमण बढ़ता है, तो ऐसे मरीज को अपना ऊपरी जबड़ा या आँख खोना पड़ सकता है। इस कारण से खाना चबाने और निगलने में परेशानी होती है। अब हमें ये जानना जरूरी है दोस्तों कि कैसे करें ब्लैक फंगस की रोकथाम। आप सब जानते हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस एक एयर डिजीज है। यह उन लोगों में होती है जो बीमार हैं या अभी अभी किसी बीमारी से ठीक हुए हैं। इस बीमारी से बचने के लिए सबसे पहले डायबिटीज़ पर काबू पाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम इस बीमारी से बच सकें। अपने नाक व मुंह को मास्क से ढककर रखना चाहिए, क्योंकि म्यूकोरमाइकोसिस फंगस हवा में मौजूद होता है। अगर हम मिट्टी में काम कर रहे हैं तो उस समय भी हमें हाथ में दस्ताने और जूते पहन लेने चाहिए। हमें सावधानी रखनी है, ब्लैक फंगस से बचने की ज़रूरत है, डरने की नहीं, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए दवाइयों के साथ साथ अच्छा पौष्टिक भोजन और पर्याप्त नींद काफ़ी मददगार होती हैं। बीमारी का इलाज करने के लिए अगर हम ये बातें माने तो शायद हम इस बीमारी से बच सकते हैं। नेत्र विशेषज्ञ के अनुसार एक दूसरे के संपर्क में आने से यह बीमारी नहीं फैलती है, अर्थात ब्लैक फंगस एक दूसरे के संपर्क में आने से नहीं फैलता है। प्रत्येक संक्रमित में यह नहीं होता है, या ठीक हुए प्रत्येक संक्रमित में भी ये ब्लैक फंगस की बीमारी नहीं होती है। बीमारी का इलाज है, बीमारी लाइलाज नहीं है, इसलिए डरे नहीं, परंतु इससे बचें और सतर्क रहें। अपने और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें, इसके अलावा नहीं। घर में रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।